गाइज, UK07 राइडर का बॉक्सिंग चैलेंज अरमान मलिक ने एक्सेप्ट कर लिया है और ध्रुव राठी ने अपनी न्यू वीडियो में एलवीश यादव को रोस्ट कर दिया और एलवीश यादव की फिर से कंट्रोवर्सी हो गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ध्रुव राठी के बारे में। गाइज, ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो आई है उनके चैनल पर, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली एलवीश यादव को पोक करा है, क्योंकि उनको कुछ लोग एंटी हिंदू बताते हैं। इसी को लेकर उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको उनकी छोटी सी दिखा देता। यूट्यूबर्स का ही एग्जांपल लेकर देख लो। अगर वहां एक यूट्यूबर है जो रोज माँ बहन की गालियां देता है, बेटिंग गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करता है, हिंदुओं को गुमराह करता है, लेकिन अपने पीछे जय श्री राम लिख कर रखता है, वो परफेक्ट हिंदू बन जाता है वहां व्हाट्सएप माफिया के लिए, क्योंकि वो उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर स्वामी विवेकानंद की बात करूं अपने वीडियोस में, आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स आपको समझाऊं, रामायण से जो सीख मिली है उस पर दो डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, भगवत गीता के मैसेजेस आपको पढ़कर सुनाऊं, तो मेरे को ये लोग एंटी हिंदू घोषित करने पर तुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था कि यूके राइडर ने बॉक्सिंग चैलेंज दिया था ऑल यूट्यूबर्स को। इसके बाद अरमान मलिक ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा, इट्स ओपन टू एवरीवन, बॉक्सिंग चैलेंज ओपन टू एनीवन। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, तेरा चैलेंज ना मैं लेता हूं, ठीक है? एक्सेप्ट करो, अगर दम है ना पिछवाड़े में तो कर लो। तो ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनिए तू, पिछवाड़े में दम ना के लोगों के होता है, और जो मर्द होते हैं ना उनके जिगर में दम होता है। तो भाई एक बात और सुन ले यूके, अगर पीछे हट गया तो तू अपने माँ बाप की औलाद नहीं है, अगर हम हट गए तो हम नहीं है। तो भाई और गाइज, यूके राइडर का जब रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो फिर से अरमान मलिक ने एक वीडियो अपलोड करी और ये कहा, तो भाई बेशरम तो देखे, पर इससे नीचे नीचे पूरी दुनिया को पता लग गया कि चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर अच्छे से ट्रेनिंग ले लिया ना तूने, तो मुझे बता दे कहां पर आना है। तो एक बात ध्यान से सुन ले यूके, एक लीगल एग्रीमेंट बनवा लिए, खाम खा काल नेत्रे का घुसा लग गया, तू कोमा में चला गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं, ठीक है? तो भाई जितनी भी ऑडियंस है सबको इंतजार है इस फाइट का, तो नीरज भाई फटाफट इस मच्छर को तैयार करो कि ये कब अपने पर। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं सलमान खान के बारे में। गाइस, सलमान खान दुबई गए हुए थे, जहां पर वो बॉक्सिंग मैच में शाहजेब से मिले थे। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच बाद जब शाहजेब का इंटरव्यू हो रहा था, तो उनके हाथ में एक इंडिया का फ्लैग था और एक पाकिस्तान, तो उनसे इंटरव्यू में पूछने लगा, आपने इंडिया और पाकिस्तान का झंडा एक साथ क्यों ले रखा है? तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान हम सब एक है और भाई भाई है, हमें सिर्फ पॉलिटिशियन अलग कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ भी कर सकते हैं एक साथ मिलकर। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं एलवीश यादव, मनीष रानी और फुकरा इंसान के बारे में। गाइज, एलवीश यादव कल अपने चैनल पर लाइव आए थे बहुत दिनों बाद, जिसमें वो मीम्स पर रिएक्ट कर रहे थे, अननोन मीम्स आ रही थी उस पर रिएक्ट कर रहे थे। पहले आप उनकी छोटी सी क्लिप देख लीजिए। मेरा तो अच्छा वक्त शुरू हुआ है बिग बॉस से निकलने के बाद। The memer community SLA2 guys, भाई तुम क्या ही बनाते हो? पर भी होगा कुछ, वो भी लगा दो भाई। ऐसा मैं सोचना यार कि मैंने पर्पसली किसी टाइप के मीम खोल रखे, जो मेरे सामने आ रहा, मुझे चलाना भी नहीं आता है, जो मेरे सामने आ रहा मैं खोल रहा हूँ भाई, अब इसमें भी चाहे बुराई हो। उसके बाद उनको हेट मिलने लगा और कुछ लोग ये कहने लगे कि जानबूझकर इन्होंने मीम्स पर रिएक्ट करा है, यानी ट्रोल करा है फुकरा इंसान और मनीषा रानी। जिसके बाद एलवीश यादव ने कहा, कई लोग मेरी लाइव में आके रो रहे हैं, एलवीश आर्मी प्लीज इनको टॉवल दो, आंसू भी पोंछ लेंगे और अपनी मजदूरी का पसीना भी। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं बाबा के ढाबा के बारे में, जो कि आज से 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। इसी को लेकर लक्ष्य चौधरी ने उन पर मल्टीपल वीडियो बनाई थी, उनको रोस्ट किया था। जब लक्ष्य चौधरी अपने चैनल पर ब्लॉग अपलोड करते हैं और उनसे अननोन मिलने जाते हैं, तो बाबा का ढाबा उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। इसके बाद जब लक्ष्य चौधरी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो बाबा के ढाबा का क्या रिएक्शन होता है आप खुद ही देख लीजिए। हम लोग सड़क पे जाना नहीं, घर में बाद में जाना आया। अच्छा, 4 साल पहले जो हमारे बदनामी किए थे। अच्छा चौधरी, कच्चा चौधरी नहीं, लक्षा चौधरी। अरे हमें ये पर्सनल धोखा दे गए। क्यों, क्या हुआ? बोले मैडम कुर्ता धोती ला रहा हूँ। अच्छा, और हमें गोली दे गए। गोली के बाद लक्ष्य चौधरी कहते हैं, हाँ हाँ जरूर दे के आऊंगा भाई, वरना बाबा बद्दुआ मार देंगे, पर बाबा आदमी एक नंबर है।